गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो का बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो का इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री के हम ऑलरेडी एक पोर्शन पे कवर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज रिनाइस एंड रिफॉर्मेशन। उसका आप लोगों का टेस्ट भी हो गया, टेस्ट का डिस्कशन भी हो गया, तो अगले पोर्शन पे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले वाले पोर्शन में किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। नोट्स आपके ऐप में अपलोडेड है, टेस्ट भी ऐप में लिंक उसका अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो वो टेस्ट आप ऐप में जाके विजिट करके दे सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर मेरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 9911675330। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको दिख ही रहा होगा इंडस्ट्री की बात की जाएगी। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेनाइसा एंड रिफॉर्मेशन, तो रेनाइसा बेसिकली स्टार्ट हुआ था इटली से, रिफॉर्मेशन का शुरुआत मार्टिन लूथर का जर्मनी में देखने को मिलता है। उसी तरीके से जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ये एक्चुअली में उसके अराउंड बिल्ट है। तो यही सारी चीजों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज पूछ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मीन पे कि वो ब्रिटिशर्स जो कहते हैं कि हमने दुनिया को सिविलाइज किया है, कभी हम उनके अगर म्यूजियम को जाके देखेंगे तो चोर खाना मिलेगा, सब जगह ऐसा चोरी का सामान ही देखने को मिलेगा। उनका बस चलता तो चंद्रमा भी अंदर अपने पॉकेट में डाल के रख के अपने म्यूजियम में लगा देते, ठीक है। और फिर विक्की कौशल का गाना भी बेकार हो जाता कि तेरे वास्ते चांद लाऊंगा और 16-17 सितारे भी तोड़ लाऊंगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारा चांद उठा के अपने म्यूजियम में रख लिया होता। तो बात करते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इसको यूरोपियन स्कॉलर ने इस्तेमाल किया, जॉर्ज मिचलेट ने फ्रांस में और फ्रेडरिक एंगल ने जर्मनी में, पर एक्चुअल सेंस में ओरिजिनली इसको पॉपुलराइज करने वाले थे आर्नोल्ड टोनी बी। आर्नोल्ड टोनी बी ने अपने लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1844 में इसको यूज किया और उसके बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि बहुत जल्दी से इंडस्ट्रीज के फील्ड में काफी ज्यादा रैपिड चेंज आ रहा। हम सबको पता है कि चीजें हाथ से भी बन सकती है, जैसे कपड़े की बात करते, इवन इंडिया में आज भी बहुत सारे कोने में जब आप जाके देखोगे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, साउथ में जाओगे, जहां पे आज भी हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल कॉटेजेस चल रही। पर जब हम वो हाथ वाला काम को रिप्लेस करके मशीन से कर देते हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और काफी ज्यादा रैपिडली कपड़े बनाए जा सकते हैं, यही पूरा प्रोसेस, यही बिगनिंग था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इन इंग्लैंड। तो ये मेनली स्टार्ट हुआ था इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है ये बाकी सारी जगहों पे देखने को मिलता है, और अलग अलग फील्ड में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्रीज आने लग जाती है, तो सब कुछ मैकेनाइज मशीनाइज हो जाता है, और यही से फिर पूरा ब्रिटेन डेवलप करना स्टार्ट करता है बड़े स्केल पे। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमेशा आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ब्रिटेन ही क्यों, जैसे हमने बात की थी रेनाइसा की, तो रेनाइसा में इटली ही क्यों। तो इस तरीके के सवाल आपके मन में आने बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजों को इस तरीके से डिसाइड किया गया कि 1760 से लेके 1820-30 के आसपास जो रैपिड चेंज हुआ है ब्रिटेन में, उसको बोला गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और हैंडमेड जो भी चीजें थी वो अब मशीन में मेड हो गई हैं, बस यही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है।
इम्पॉर्टेंट एक्चुअली में इससे ज्यादा ये समझना है कि एक्चुअल में ब्रिटेन में ऐसे कौन से फैक्टर थे तो वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो हम बात अगर करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो इसका टाइम पीरियड आप मान के चलिए 18 से 19 सेंचुरी है, जब इंडस्ट्रीज बड़े स्केल में आई। आपको पता है स्टीम इंजन से लेके बाकी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। और तो ये वो वाला फेस है जिसमें एग्रेरियन रूरल सोसाइटी यूरोप में ज्यादातर इंडस्ट्रियल और अर्बन हो गए, यूरोप और अमेरिका में, उसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जाता है। और उससे पहले सारी चीजें हाथ से की जाती थी, लेबर इंटेंसिव काम हुआ करता था, लेकिन अब मशीन आ गई है तो बहुत सारी लेबर को रिड्यूस करके काम कुछ लिमिटेड लोग, कुछ लिमिटेड प्लेयर ही कर सकते। ये पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा एफिशिएंट था और सप्लाई इरेटिक थी, क्योंकि जो बाकी सारे वर्कर्स थे वो दूसरे ही सारे काम में कर सकते थे। तो जो पुराना जो तरीका था वो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट था, क्योंकि वो वर्कर डिपेंडेंट था। अब मशीन डिपेंडेंट है तो काम एक्चुअली में आप श्योरिटी के साथ, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकते। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि पावर्ड और स्पेसिफिक पर्पस मशीनरी, फैक्ट्रीज और मास प्रोडक्शन लेके आना किसी चीज में। आयरन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो मेन इंडस्ट्रीज थी जिसने इंग्लैंड के पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट किया है। कुकिंग अप्लायंसेस से लेके जहाज तक सारे कंपोनेंट ऑफ आयरन एंड स्टील के बनने लगे। और ये सारी चीजें बहुत ही तेजी से चली गई जब स्टीम इंजन और शिप्स का डेवलपमेंट हुआ। तो आप अपने आप समझिए कि अगर स्टीम इंजन का है तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी आसानी से हो सकेगा। शिप ऐसे जो कि इंजन के ऊपर बेस्ड चल सकते हैं, तो कितनी आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इधर चला मैं उधर चला, गाना गाते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। तो पहले ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन से स्प्रेड होते हुए पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में फैला। और एक ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी और ये सारी चीजें देखने को मिलती है आपको। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली में, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो लोकल रिसोर्सेस पे, पॉलिटिकल विल पे और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंडेंट था, और इसी वजह से आपको यूरोप में देखने को मिला। और ये स्प्रेड होके यूनाइटेड स्टेट में भी आपको इसको देखने को मिलता है, और इवन और बहुत सारे अलग अलग जगह पे भी इसको देखने को मिलता है। सो अब बात करते हैं वाई ब्रिटेन। तो अभी मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कि हैंडमेड चीजें अब मशीन मेड हो रही हैं, और इसी को हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला है, और शुरुआत हुई है ब्रिटेन के साथ। सबसे पहला सवाल है वाई ब्रिटेन। ये फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो ये आपके आंसर राइटिंग के, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपका रिटन एग्जाम होगा इसका, कि ब्रिटेन में ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे हुआ है। उसके अलावा दूसरा है स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, कि कैसे सोसाइटी के अंदर टेंडेंसी है कि सोसाइटी ट्रेड और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी तैयार थी। चौथा तो पैसा, पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता। पैसा के बिना तो आजकल छोटे बच्चे नमस्ते तक नहीं बोलते हैं, तो पैसा के बिना कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो ही नहीं सकती, और इंग्लैंड के पास बहुत पैसा है। पांचवा, वहां के पैसा अगर नहीं भी है तो वहां के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं और वहां पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी है जो कि इसको और आगे लेके जाते हैं। और छठा, ज्योग्राफिकल रीजंस, जो पोजीशन है, जो लोकेलिटी है, उससे भी काफी ज्यादा मदद मिल रही है। तो वन बाय वन इन सबको बहुत ज्यादा डिटेल में और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोबेबल डिटेल आंसर भी हो सकता है, डिटेल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड को समझना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, कई लोगों का ये मानना है कि आप पहले अपना प्रोडक्ट बनाए उसके बाद वो मार्केट उसके लिए ढूंढे, पर वहीं पे बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर किसी चीज का मार्केट है तो पहले मार्केट होना चाहिए, बाद में आपका प्रोडक्ट अगर लॉन्च होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल राइज होगा। तो ये दोनों चीजें हैं जो एक्चुअली में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन
लेकिन मेजोरिटी लोगों का यही मानना है कि अगर आपके पास मार्केट है तो आपको ग्रो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंग्लैंड के पास डोमेस्टिक मार्केट तो था ही, साथ ही साथ उसकी कॉलोनीज भी एक बहुत बड़ा मार्केट थी। वो कॉलोनीज जो मार्केट बनी उससे पहले भी डोमेस्टिक मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग था उसका। तो डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग क्यों था उसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। इवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले वाले सालों में भी इंग्लैंड में आपको काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, और इसकी वजह से राइजिंग इनकम, इनकम की बढ़ोतरी देखने को मिलती है आपकी। काफी सारे लोगों की काफी सारी इनकम बढ़ चुकी थी वहां पे। तो कैसे ये सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो चुका था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा से डेवलप हो चुका था, क्योंकि आप कोने कोने तक व्यापार कर रहे थे तो वाटरवेज डेवलप हो चुके थे, रोड डेवलप हो चुकी थी, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से खाना डेवलप हो चुका। तो वहां के लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है और वो लोगों की इनकम ठीक ठाक ग्रो हो चुकी है, तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग ऑलरेडी इंडिया पे कब्जा कर चुके हैं काफी सारे इलाके पे। वो इंडिया में एक डोमिनेंट प्लेयर है, 1600 से ही, 1608 में उनकी इंडिया में एंट्री होती है। इवन उससे बहुत पहले वो लोकली डेवलप हुए होंगे, अपना देश डेवलप किया होगा, उसके बाद वहां के कुछ लोगों के पास ठीक ठाक पैसा आया होगा, वही लोगों ने कंपनी बनाई, राजा या पहले रानी से फिर राजा से परमिशन ली और अपने जहाज छोड़ दिए, इंडिया पे छोड़ दिए, बाकी सारे दुनिया के कोनों पे छोड़ दिए कि जाओ कब्जा करके लाओ और सरकार को खुश करो, गब्बर सिंह को खुश करके दिखाओ, उनकी पार्लियामेंट को खुश करके दिखाओ। तो उनका लोकल मार्केट बहुत पहले से डेवलप था। अगर मान लीजिए कॉलोनीज उनकी नहीं भी होती तब भी वो सरवाइव कर जाते कहीं ना कहीं लोकल मार्केट की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट था कि उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन यूथ से, अब बच्चों से यंगर एडल्ट की तरफ बढ़ गई थी, उनकी एवरेज पॉपुलेशन एडल्ट की रेंज में थी। तो उनके पास बहुत बड़ी वर्किंग फोर्स थी, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर से कुछ लोग शिफ्ट होके दूसरे कामों में करने लग गए, और बाकी सारी चीजें भी काफी लेवल पे डेवलप ऑलरेडी थी, पर पॉइंट यह कि वो ज्यादातर चीजें हाथ से की जाती थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट देखने को मिले थे तीन सेक्टर में, होम मार्केट में, दैट वाज ट्रांसपोर्ट, सेकंड वाज फूड, और तीसरा है कोयला। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का क्या मेन फंडा है कि नेशन वाइड बहुत बड़ा मार्केट था, और ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट थे उसके लिए, अगर आपकी जो छोटी मोटी घर पे भी अगर कंपनीज भी हैं, इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी आपको खुद का मार्केट, अच्छा कनेक्टेड मार्केट होना चाहिए, तभी तो अगर इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो लोगों तक पहुंच सके। तो ब्रिटेन में बाय डिफॉल्ट काफी सारी चीजें ऑलरेडी डेवलप्ड थी, और यहाँ पे जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप था वो वाटर वेस्ट बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप था। जब आप इंग्लैंड या ब्रिटेन के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि यहाँ पे कैनाल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा क्यों डेवलप था। तो रिवर और कैनाल ट्रांसपोर्ट बहुत डेवलप हो चुका था, लेकिन रोड्स भी साथ ही साथ पैरेलली डेवलप की गई थी, तो एक पूरा ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन हो रखा था। क्योंकि नेशन वाइड मार्केट था तो एक जगह पे सामान अगर प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल लंडन, तो हर एक जगह पे आपको सामान भेजना है, भले ही वो सामान हाथ से प्रोड्यूस होता है और वो सप्लाई करने में टाइम लग रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी फिर भी इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, कैनाल्स की वजह से अब आप सोचिए कि पानी से जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपका खर्चा 80% तक का कम हो जाता था कोयले की। तो जो मार्केट है, मार्केट ने कोयले की डिमांड को भी काफी ज्यादा बढ़ा रखा, और यही कोयला आगे चल के एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनेगा जब हम स्टीम बनाएंगे, स्टीम इंजन की। तो कोयला भी ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ पे अच्छे लेवल पे डेवलप है, और मिलियन ऑफ टन्स के अराउंड पहले ही बनता था। तो कोयले का प्रोडक्शन ऑलरेडी मिलियंस ऑफ टन्स की कैटेगरी में ऑलरेडी था। अब बात करते हैं फूड की। तो जैसा मैंने बताया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ 18 सेंचुरी,
उससे एक फेवरेबल क्लाइमेट बन गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। नॉर्मली आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पहले अगर आपका एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, इंडस्ट्रीज आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, उसके बाद आप इंडस्ट्रीज, या जैसे इंडिया ने शिफ्ट करके टर्शरी सेक्टर भी डेवलप कर सकते हैं, पर बिना अपने खाने की श्योरिटी के आप कुछ नहीं कर सकते। खाली पेट भजन ना होए गोपाला, ये याद रखिएगा। जब खाली पेट भजन या पूजा या सिमरन नहीं हो सकता, आस्था नहीं हो सकती, तो बाकी सारी चीजें तो बात की बात है। एग्रीकल्चर डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन की वजह से ब्रिटेन की पॉपुलेशन को बहुत कम पैसों में खाना मिल सकता था, और ये सरप्लस ऑफ फूड की वजह से ब्रिटेन की फैमिलीज काफी ज्यादा पैसा कमा पाई थी, और साथ ही साथ वो अच्छे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीद सकती हैं। तो अगर खेती अच्छी हो रही है तो जेब में पैसा भी तो है, जो लोग अपना सामान बेचने आएंगे। अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड आप तभी करेंगे ना जब जेब में पैसा होगा। जब जेब में पैसा होगा तो चार की जगह छह टी शर्ट्स भी ले सकते हैं, बढ़िया जूते भी ले सकते हैं। जो बाल कटाने के लिए 100 रुपए लगते हैं, उसकी जगह 2,000 के बढ़िया कैरेटिन से शैम्पू करवा के बाल धुलवा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर डेवलप होने की वजह से लोगों को एक दो तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के डेवलप होने से। एक तो खाने की कोई दिक्कत नहीं रहती, दूसरा अब आपकी पॉकेट में पैसा है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट प्रोडक्ट में भी, मैन्युफैक्चर गुड्स में भी। इसीलिए फूड एंड बेवरेजेस में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ऑलरेडी वहां पे देखने को मिला था। और दूसरा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हो चुका है, तो जो बचे हुए लोग थे, अब आसानी से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो पा रहा है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होने की वजह से अब आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर से अब फ्री हो चुके हैं। तो एक रेडी पूल ऑफ वर्कर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और नई इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। तो दिस पूल ऑफ वर्कर्स प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। तो लोकल मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट लोकली डेवलप्ड है, कोला भी है और फूड वगैरह भी डेवलप है। तो ऑलरेडी उनके पास लेबर भी है, रॉ मटेरियल्स भी है और मार्केट भी है, और पूरी तैयारी हो रखी है कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा वो कोने कोने तक फैला डालेंगे। और इवन लोकल मार्केट तो है ही जी, मार्केट तो इंटरनेशनल लेवल पे भी है। उनका बहुत बड़ा मार्केट कोलोनियल एम्पायर से आता था, उन्होंने अलग अलग जगह पे मार्केट बना रखा था, अलग अलग जगह पे चीजें कब्जा कर रखी थी जहां पे वो व्यापार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया भी गई थी, और उसके बाद हल्के हल्के कैसे वो मालिक बनी है हम सब जानते हैं। तो बंगाल का उनका कंट्रोल 1765 में पूरा कंट्रोल आ जाता है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे कोने थे, इलाके थे, एरियाज थे जहां पे ब्रिटेन कह रहा था ये अपुनच की जगह है, ये हमारी ही जगह। तो इकोनॉमिक सुपेरिटी के साथ साथ, इंटरनल डायनामिज्म के साथ साथ, उनके पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र था कि अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस करे तो उनके पास उनका मार्केट कोई छीन नहीं सकता। नॉर्मली अगर आज की डेट में आप कोई कंपनी खोले तो आपको एक रिस्क रहता है कि आपका कंपटीटर कोई बाजार में उतर सकता है। ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में ये इंश्योर किया कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका पैरेलल में कोई प्लेयर खड़ा हो ही ना सके। अगर उसने कपड़े बनाने स्टार्ट किए तो उसने इंडिया की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, उनके जो राइवल कंपटीटर हो सकते थे उनको हरा के उसके बाद पूरा इकलौती मोनोपोली इस्टेब्लिश की। तो उसके पास मार्केट की कभी शॉर्टेज हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी कॉलोनियल एम्पायर था, और उसके पास तो रेडीमेड मार्केट है, इंडिया जैसा मार्केट है, और भी बहुत सारे कोने हैं, अफ्रीका जैसा मार्केट है, कैरिबिया जैसा मार्केट है, अमेरिका जैसा मार्केट है उसके पास। तो लोकल मार्केट के साथ साथ ये मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल प्ले करता है, और यहाँ पे कंपटीशन को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट कर चुका है। दूसरा, ये कॉलोनीज आपको सस्ता रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करा रही है। अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो काफी सस्ता रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड हो रहा है उनको। जितनी भी कॉलोनीज थी उनको रॉ मटेरियल का सप्लायर की तरीके से इस्तेमाल किया गया, और अपने फिनिश गुड के लिए रेडीमेड मार्केट उनके पास था। और
अगर लोकली मान लो कपड़े इंडिया प्रोड्यूस करते थे तो उस हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो ये सारी चीजें आप समझिए कि एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो टेक्सटाइल के अराउंड बिल्ड हुआ शुरुआत में। तो क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी तो एक टेंडेंसी, एक क्यूरोसिटी थी कि अगर जल्दी से जल्दी कपड़े बन पाए तो ज्यादा जल्दी बिक पाएंगे, और ज्यादा जल्दी अगर बिक पाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाया जाएगा। तो उस पूरे प्रोसेस को जो पहले हाथ से हो रहा था वहां पे इंग्लैंड में ऑलरेडी, उसको कैसे मशीन के इस्तेमाल से जल्दी किया जाए, एक जनरल उनके पास एफर्ट किया गया, एक कंसंट्रेटेड एफर्ट किया गया, उसमें वहां की सरकार, वहां के व्यापारी सब कुछ की कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए क्योंकि मार्केट उनके पास ऑलरेडी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जितने भी इन्वेंशंस हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, चाहे स्पिनिंग जेनी हुई या ये सारी चीजें, कि ये सब प्राइमरी कॉज थे और इसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ। पर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये सेकेंडरी कॉज है, रेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट तैयार था, पैसे कमाने का लालच था ब्रिटिशर्स को, तो वो जल्दी से जल्दी सामान प्रोड्यूस करना चाहते थे, इसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पुश मिला सरकार की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, हर एक तरफ से। इसीलिए द इन्वेंशन नॉर्मली पहले बोला जाता था कि पहले इन्वेंशन आए उसके बाद मार्केट उसका ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। द मार्केट मस्ट कम फर्स्ट, पहले मार्केट होना चाहिए, इन्वेंशन उसको फॉलो करता है। आज की डेट में भी आप देखें, हम लोगों ने बहुत सारे नाटक देखे, कुछ चैनल्स पे आते भी थे नाटक काफी ज्यादा। तो नाटक्स में आप क्या करते थे, अपना प्रोडक्ट लेके जाते थे और फंडिंग उठाते थे, तो फंडिंग उसको ज्यादा मिलने के चांसेस होते थे जो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, यानी उस चीज की ऑलरेडी डिमांड हो। अगर आप भी कोई इनोवेटर बनना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि किस चीज की डिमांड है। अगर उस डिमांड को आप फुलफिल कर पाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और कोल की वजह से जो डेवलप हो चुका है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से जो डेवलप हो चुका है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल उसके पास मार्केट भी है, एक्सटर्नल मार्केट भी है जो कि उसकी कॉलोनीज है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता है, इतना क्लियर है, यस और नो बताएं। इस वाले पोर्शन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, उम्मीद है ये वाला पोर्शन आप लोगों को क्लियर होगा। तो बात करते हैं स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए वहां की चीजें काफी ज्यादा स्टेबल थी पॉलिटिकली। अब दुनिया भर के देशों को देखोगे, वहां पे राजा रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे, छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, छोटी छोटी स्टेट्स की अपनी फोर्सेस हुआ करती थी और वो आपस में लड़ा करते थे, या इवन बहुत बड़ा राजा भी है तो राजा अपनी खुद की टेंडेंसी के हिसाब से उसका कोई ना कोई राइवल हुआ करता था, और वो बहुत सारे राजा तो ऐश में भी पैसा बर्बाद किया करते थे, उनकी प्रायोरिटी नहीं हुआ करती थी कि वो व्यापार करे या बाकी सारी चीजें करे। पर इंग्लैंड में कुछ चीजें उसके फेवर में बहुत पहले हुई, जैसा कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भी। तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ग्लोरियस रेवोल्यूशन वो पूरा स्ट्रगल था जिसमें इंग्लैंड की रानी या राजा जो भी है उनको एक लिमिटेड पावर दे के बाकी सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ कि सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में आ गई, अब उनके पास एक डेडिकेटेड पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जो कि एक तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, और उसी कॉन्टिन्यूएशन में वो काम कर रही है। तो अब आप सोचिए कि अगर पहले से इतना सिस्टम डेवलप्ड है तो उनके पास एक एडेड एडवांटेज तो था ही, दुनिया से एक स्टेबिलिटी मिल गई उनको। 1688 के बाद ज्यादा उनको लड़ाइयां भी नहीं देखने को मिली, सिंपल तरीका, अच्छे तरीके से चीजें चलती रही। ठीक है जी। और अब क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो सरकार सारी काम करवा रही है, वो ट्रेड एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रही है, एक लीगल सिस्टम भी डेवलप कर रखा है कि अगर मान लो कोई व्यापारी अपनी कंपनी बनाता है तो
कोई भी उसकी कंपनी छीन नहीं सकता, उसके एरिया में इंक्रोच नहीं कर सकता। हम प्रोटेक्शन देंगे, हम प्राइवेट ट्रेड को भी सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी राइट को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका कोई पेटेंट है, सॉरी आपका कोई इन्वेंशन है, तो उसको पेटेंट भी देंगे कि कोई इंग्लैंड में वो चीज को बिना पेटेंट के इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और अगर इस्तेमाल करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उस इंसान को जिसने वो इनोवेशन किया। जब सरकार इस लेवल पे कर रही है 1688 में, अपने आप वहां के जो लोग बहुत टाइम से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, उनको लगेगा ना कि हम इंडिया जाते हैं पैसा कमा के आते हैं, उनको लगेगा ना कि हम दूसरी जगह जाते हैं और पैसा कमा के आते हैं। तो ये, और क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई राजा रजवाड़ा तो है नहीं कि उनके इलाके में आके उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। सरकार है, स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी के वजह से उनके यहाँ एक टेंडेंसी है कि वो व्यापार करें। बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इंग्लैंड ने फ्री ट्रेड की वजह से डेवलप किया, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो थ्योरी एडम स्मिथ ने दी भी वो एक्चुअली में स्पेसिफिकली बाद में दी है, और वो सिर्फ फूड आइटम तक लिमिटेड है। इस पॉइंट को मैं पूरा इलेबोरेट करता हूं तो ध्यान से समझिएगा, एक पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। देखिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक चीज ध्यान से समझिएगा कि इंग्लैंड का जो टेम्परेचर है वो बहुत सारी चीजें वहां पे ग्रो नहीं हो सकती, तो वहां लिमिटेड टाइप की खेती हो सकती है। और उनके जब कंपनी के लोग या बहुत सारे लोग व्यापार करने लगे तो उनको बहुत सारे अलग अलग खाने और उससे रिलेटेड आइटम्स वहां पे उनसे वो इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन वो ज्यादातर चीजें उनके यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है, तो ज्यादातर चीजें वो इंपोर्ट करते थे। और वो जब ज्यादातर चीजें इंपोर्ट किया करते थे और एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास चीजें हुआ नहीं करती थी, तो ट्रेड डेफिसिट में हुआ करता था इंग्लैंड। पर अब चीजें बदलने वाली थी, क्योंकि अब कॉलोनीज बन गई है, तो कॉलोनीज की मदद से कभी भी ट्रेड डेफिसिट को नलीफाई कर लिया जाता था, और अब वो ज्यादा राधर देन पैसे कमाने लग गए। कैसे कमाने लग गया है? क्योंकि अब देखिए जो चीजें उसने इंपोर्ट करनी भी है, मान लीजिए कोई सामान, कोई आजाद देश से लेके भी आना है, कोई सोवरन कंट्री से लेके भी आना है, तो अगर उसके बदले में आपको कुछ देने के लिए नहीं भी है तो कॉलोनीज को फोर्स करेंगे कि आप कुछ ना कुछ उगाओ ताकि हम इसको तीन लेवल पे ट्रेड कर सके। जैसे कि ओपियम वाले एग्जाम्पल समझिए कि वो इंडिया में ओपियम वगैरह उगवाते थे ताकि चाइना से चाय मिल सके, और इंडिया में ओपियम उगवा के चाइना में व्यापार करवा के और वहां से चाय लेके अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, यानी जो चाय ले रहे हैं उसके बदले में चाइना को ओपियम सप्लाई करवा रहे हैं, इंडिया से सप्लाई करवा रहे हैं, और सारा पैसा पॉकेट में जा रहा है उनके। तो ये सारी चीजें क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने कॉलोनीज डेवलप कर ली, और कॉलोनीज की मदद से वो सारा जेब में जो भी उनको खर्चा लगाना था, जो भी इंपोर्ट कराना था, वो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इवन उनकी सरकार, रूल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है जी इतने सालों तक, 1649 से 1846 तक। तो ध्यान से समझिए ये है क्या। नॉर्मली लोगों को लगता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि फ्री ट्रेड थी, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी लोकल कंपनीज को प्रोटेक्ट करके रखा, वहां की सरकार ने तब तक प्रोटेक्ट 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 करके रखा उन कंपनीज को जब तक वो अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर पाई। जब वो अच्छे लेवल तक ग्रो कर गई उसके बाद उसने बहुत सारी चीजों में मार्केट खोले, वो भी लास्ट के टाइम पीरियड में। तो उसने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखा, उन सारे फील्ड में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने दिया, और मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन आता भी था तो वहां की सरकार अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर लेती थी। ठीक है जी, प्रोटेक्ट कैसे करती थी? वो चीजें इंपोर्ट ही नहीं होने देती थी जो कि लोकल इंडस्ट्रीज बना सकती है, क्योंकि सरकार एक सिस्टम है, कोई राजा रजवाड़ों का तो सिस्टम नहीं है कि एक राजा से लड़के अब दूसरे राजा से इंपोर्ट करवा लेंगे, नहीं। तो वहां की सरकार क्या कर रही थी, कॉलोनीज की मदद से जो चीजें इंपोर्ट भी करनी थी उसके पैसे नहीं दे रही थी, और मार्केट ऑलरेडी तैयार है तो चीजों को एक्सपोर्ट करा के पैसे कमा रही थी। तो अपने यहां तो किसी भी प्लेयर को एंट्री नहीं है, और दूसरे के यहां जाके सामान बेचो और पैसा कमाओ।
आपकी सरकार है, आप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको आप हिपोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन उनके पास ताकत थी और वो ऐसा करते थे। इवन द नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651 की बात अगर मैं करूं, जिसको 1655 में अमेंड भी किया गया, उन्होंने ये बोला कि जितनी भी इंग्लिश कॉलोनीज है, चाहे वो किसी भी कोने में कोई भी कंपनी कॉलोनी बना ले, जो इंग्लैंड की कॉलोनीज है, वो सारी की सारी पार्लियामेंट के अंडर में रहेंगी। यानी किसी को पावर दे ही नहीं रहे, ऊपर एक सिंगल अथॉरिटी है। और जब सिंगल बॉस होता है ना जी, तो डेवलपमेंट अच्छा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अमेरिका में कॉलोनीज हैं, तो उसका भी अगर उसका भी अगर हम देखें नेविगेशन एक्ट से, तो उसका भी ये हो जाता है कि वो सबॉर्डिनेट हो गया पार्लियामेंट के और मोनोपोलाइज कर दिया गया बाय इंग्लिश शिप्स। तो ये जो नेशनल इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है, इसको फॉर्मुलेट किया गया इंग्लैंड में बिफोर कोई और कंट्री कर सके। तो ये इस तरीके से प्रॉपर डेवलप किया गया। तो आप समझिए कि एक अथॉरिटी है जो ये सारी चीजें कर रही है। इवन जो कॉलोनीज भी हैं, वो कॉलोनीज को वो चीजें बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जो इंग्लैंड बनाता है। अमेरिका को भी अलाउड नहीं है, आयरलैंड को भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आप हमारा सामान खरीदो बना हुआ, आप हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो। अब आप खुद समझिए कि वहां की सरकार कर क्या रही है। वहां की जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है, अब मान लीजिए आपको कॉलोनीज चाहिए, आपने आर्म फोर्सेस भेजी, आर्म फोर्सेस भेज के पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया। जैसे आयरलैंड का एग्जाम्पल समझते, सबसे पहले आयरलैंड पे कब्जा जब किया गया, तो उसके पूरे इलाके को बड़े बड़े स्टेट में डिवाइड करके इंग्लैंड के लोग खुद जमींदार बन गए और आयरलैंड वाले लोगों को टेनेंट बना दिया। आयरलैंड को बोल दिया गया कि आप मीट, वूल और बटर को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, और एक्सपोर्ट करोगे भी तो हमारे जहाज आपके चारों तरफ है, आपके जहाजों को बाहर एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे। आप ये हमको दोगे, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। अमेरिका जो इनके कंट्रोल में था, उनको ये बोला गया था कि आप कोई एक सिंगल आइटम तक नहीं बना सकते, ऐसा आइटम जो हमारे साथ कंपीट करेगा बाजारों में। आप कपड़े नहीं बना सकते, चाय नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हैट से लेके पिन से लेके टेक्सटाइल से लेके आयरन मैन्युफैक्चर हम बनाएंगे, इंग्लैंड बनाएगा, आप हमसे खरीदो। अगर बना भी सकते हो तो भी नहीं बनाना है, क्योंकि हमारी कंट्रोल है। तो ये सारे आइटम इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जाते थे, और जब इंपोर्ट किया जा रहा है तो जिस जहाज में सामान लाया जा रहा है उसके भी पैसे अमेरिका वाले देंगे या कॉलोनीज वाले देंगे। अगर कैरेबियन आइलैंड पे आ रहा है तो वो कॉलोनीज वाले देंगे, इंडिया में आ रहा है तो वो देंगे। ठीक है, हर एक आइटम क्लोथिंग का, इवन चेन और शेकल्स जो स्लेव्स को बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो भी कंपलसरली इंपोर्ट किए जाते थे इंग्लैंड से। तो अगर आपको स्लेव ट्रेड भी करनी है अफ्रीका से लेके यूएसए से लेके इंग्लैंड, तो वो भी जो शेकल है, जो हथकड़िया है, वो भी कहां से आएंगी, वो भी आएंगी इंग्लैंड से। जमाइका में रॉ शुगर तो प्रोड्यूस की जा सकती थी, लेकिन उसका रिफाइनिंग भी कहां होगा, ब्रिस्टोल में। तो इसीलिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज का हब कौन बन गया, इंग्लैंड बन गया। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज उसके कंपटीशन में दूसरा देश कर सकता था, अगर उसके कंट्रोल में आ गया, उसकी कॉलोनी बन गया, तो उस पूरी इंडस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल आपको समझने पड़ेंगे किस तरीके से खुद की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और दूसरे की वॉट वॉट लगा दो, दूसरे की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दो, दूसरे के सिस्टम को बर्बाद कर दो, खुद की ऐश बनी रहनी चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए यूज करो। और ये दुनिया की सच्चाई है, हमेशा याद रखिएगा। तो जो कहते हैं ना कि फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड की बात की जाती है, कि फ्री ट्रेड की जो बात एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने बाद के टाइम पीरियड में जो थ्योरी दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगा रखी थी। इवन जो कॉर्न है, जो कि फूड आइटम है, उस पे भी ड्यूटी लगा रखी थी। इंट्रोवर्ट जी, दैट डिपेंड्स ऑन दिस सिलेबस।
इट इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी, वर्ल्ड हिस्ट्री इज रेलिवेंट फॉर दैट, एंड इफ एनी वेयर जहां पे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आता है सिलेबस में, दिस टॉपिक्स आर रेलिवेंट. वर्ल्ड हिस्ट्री जहां पे भी आपका आएगा, फॉर दैट दिस इज रेलिवेंट. ठीक है जी. तो ये सारी चीजों को इस तरीके से आपने समझना है कि जो फ्री ट्रेड की भी बात की गई एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा, वो इसलिए की गई क्योंकि कॉर्न पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी और कॉर्न बहुत महंगा आता था, और वहां के बहुत सारे व्यापारी इसके फेवर में थे क्योंकि वो कॉर्न इंपोर्ट करते थे और वहां के इंग्लैंड के लोगों को महंगा देते थे. कॉर्न उनका इंपॉर्टेंट फूड आइटम था, इसलिए वहां के लोगों ने डिमांड की कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ये इंपोर्ट ड्यूटीज हट जानी चाहिए ताकि सबको पास एक मिनिमम लेवल पे, मिनिमम प्राइसेस पे कॉर्न अवेलेबल हो सके. ठीक है जी. तो ये सारी चीजों को इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा. यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिएगा. जो इंग्लैंड कहती है ना कि बाजार खोलो, ये खोलो, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करके उसके बहुत बाद में सिर्फ लिमिटेड चीजों के लिए अपना मार्केट खोला, और जब उसकी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है उसके बाद तो फिर वो कहेगा ही ना कि मार्केट खोलो, फ्री ट्रेड करो, क्योंकि उसके पास सुपीरियर चीजें हैं जिसकी जो आसानी से बिक जाएंगी. तो ये समझिएगा कि 1846 तक उसकी सरकार क्या क्या कर रही है. उसकी सरकार लोकली तो सिस्टम बड़ा साउंड कर रही है, और इंटरनेशनली बाकी सारी कॉलोनीज और मार्केट बना के उसको दे रही है, और हर एक जगह वो कॉम्पिटिशन को खत्म कर रही है. जहां पे इंग्लैंड जो जो सामान बनाता है, ब्रिटेन जो जो सामान बनाता है, इतनी चालाकी से ये सारी चीजें की गई. अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा. तो जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए आपको हर हर जगह तो कॉलोनीज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना तो कॉलोनी नहीं है, चाइना से आपने लेनी है चाय, चाइना से लेना है सिल्क, उसके बदले में पैसे देने पड़ते थे पहले. अब ये कह रहे हैं ऐसा नहीं, टीना चौल पे अभी ऐसा नहीं चलेगा. इंडिया वालों से बोला कि आप ओपियम उगाइए. ओपियम वॉर्स में जब इनको एक तरीके से पुश मिला, एक जीत मिली, उसके बाद चाइना को बोला गया कि हाँ जी हम हमारे ओपियम के जहाज आएंगे, और वहां पे ओपियम की लत लगी, से पहले ही लग रखी थी. तो ओपियम चाइना को देते थे, उसके बदले में टी और सिल्क लेते थे, पर ओपियम तो इंडिया से उग रहा है. यहाँ के जो किसानों को थोड़ा वोड़ा, बहुत रेयर ऑफ द रेयर, बहुत मिनिमल पैसा दिया जाता था, और वो मिनिमल पैसे से बहुत ज्यादा पैसा इंग्लैंड कमा लेता था अपने कपड़े बेच के, क्योंकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री तो उसने बर्बाद कर ही दी थी. तो इसको ट्रायंगल ट्रेड पैटर्न कहते हैं. ऐसा वो अफ्रीका के साथ भी करता था, वहां से स्लेव अमेरिका भेजता था, वहां पे काम किया जाता था, और वहां से फिनिश प्रोडक्ट, सॉरी वहां से रॉ प्रोडक्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिनिश प्रोडक्ट वापस अफ्रीका में और अमेरिका में. तो अब आप समझिए कि अगर आजाद देश हैं तो उनके साथ भी व्यापार करने का ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी वाला तरीका उसने ढूंढ लिया था. इस तरीके से आप समझिए कि वहां की सरकार, वहां के सिस्टम के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. जो यान क्लॉथ जो इंडिया से, सॉरी जो यूके से इंपोर्ट किया जाता था, वो इतना महंगा था कि वो सारे खर्चे निकलवा देता था. तो ये इस तरीके से सरकार सारी चीजें मैनेज करके चल रही थी. तो ये दो चीजें अभी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, जो मैंने क्या बताई है कि वहां क्या सरकार, वहां का सिस्टम क्या कर रहा है. वन मैनशिप है, वहां पे एक ही पावर है, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही बॉस है, और उससे पहले डोमेस्टिक मार्केट और ओवरसीज मार्केट तो है ही. तीसरी चीज जो आपको समझनी है, दैट इज वहां के लोगों का इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. वहां पे क्योंकि सिस्टम चीजें जल्दी डेवलप हो गई, वहां पे एग्रीकल्चर वाला सिस्टम थोड़ा सा पहले डेवलप होना स्टार्ट हुआ था. फ्यूडलिज्म सबसे पहले वहां पे ब्रेक करता है, फ्यूडलिज्म वहां पे टूटता है और कैपिटलिज्म उसको रिप्लेस करने लगता है. तो बहुत जल्दी वहां पे ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास काफी ज्यादा जमीनें थी, और बाकी सारे ऐसे लोग थे जो वर्कर के रूप में काम करने को तैयार थे.
नॉर्मली ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वर्कर्स अपने राइट को रियलाइज करते और हल्के हल्के उनके हाथ में भी पावर आती, पर उससे बहुत पहले ही ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वहां पे, उन्होंने इन वर्कर्स को अपने कंट्रोल में लेके एग्रीकल्चर को बड़े स्केल पे डेवलप करा दिया। अब वहां पे एग्रीकल्चर बहुत पहले से डेवलप हो चुका है, कुछ चुनिंदा लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बाकी सारे वर्कर्स या लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। तो फ्री प्रेजेंट या फ्री जो स्पिरिट है वर्कफोर्स की, वो डेवलप ही नहीं हो पाई। एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद अब आपके पास वर्कफोर्स भी है, खाने की प्रोड्यूस भी है, और साथ ही साथ इतने सालों में एक टेंडेंसी भी डेवलप हो गई है कि एग्रीकल्चर तो हो ही रहा है, पैसा कमाना है तो व्यापार करना भी कोई बुरी बात नहीं है। नॉर्मली पहले शुरुआत में बहुत सारी जगह पे व्यापार को उतना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन इंग्लैंड की सोसाइटी, इंग्लैंड में इंस्टीट्यूशन बहुत पहले से डेवलप हो चुके हैं क्योंकि एग्रीकल्चर जल्दी डेवलप हुआ है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट पढ़ा है हमने, कि जब एग्रीकल्चर जल्दी से डेवलप हो जाए, अच्छे से डेवलप हो पाए, उसके बाद ये सारी चीजें कैसे पैन आउट करती। ठीक है, इस तरीके से चीजें सारी काम कर रही थी। तो एक इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म की जो स्पिरिट थी, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स की स्पिरिट थी, वो बहुत पहले से डेवलप हो चुकी थी कि एग्रीकल्चर तो हो गया, अब आगे क्या। तो वहां की सोसाइटी के लिए व्यापार करना एक्सेप्टेबल था, वो उस चीज को प्रमोट करती थी, और वहां की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस थी जो पहले से ही डेवलप हो गई थी, मनी लेंडर्स हो गए, बाकी सारी चीजें और भी हो गई, उन चीजों पर भी डेवलप, उन चीजों पे भी बात करते। कैपिटल हेज, कैसे कैपिटल आया, मैंने बताया ना कि एग्रीकल्चर है, उसके बाद आप दूसरी जगह पे कब्जा कर रहे हैं और इससे आप पैसा कमा रहे हैं। तो ट्रेड को ग्रोथ से, एग्रीकल्चर जल्दी डेवलप होने से ट्रेड भी आसानी से डेवलप हो पाई थी, लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, जेब में बहुत ज्यादा पैसा है। अब जेब में पैसा ज्यादा है तो आपको मशीनरी और बिल्डिंग्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते। तो क्योंकि पैसा है तो आपके पास सारी चीजें, पैसा है जिस चीज में भी इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते। इंडिया को अगर हम इसके कंपैरिजन में रखें, क्योंकि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने निचोड़ दिया था, सारे पैसे ले गए थे, तो इंडिया को शुरुआत में जो डेवलपमेंट करना पड़ा वो बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, इवन जो इंडस्ट्रीज भी लगानी पड़ी, तो सरकार को बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ा, काफी ज्यादा अलग अलग लोगों से, अलग अलग सेक्टर से मदद लेके तब आप इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए। तो पैसा अगर हो आपके पास तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉकेट में करोड़ों रुपए हैं, आपको कोई दुनिया में अच्छा कोई कंप्यूटर लगता है, सुपर कंप्यूटर आपको चाहिए आपके बिजनेस के लिए, आपके पास पैसे, आप तुरंत ले लेंगे किसी से भी वो टेक्नोलॉजी। तो अब इंग्लैंड के पास वो पैसा है, व्यापार से एग्रीकल्चर अच्छे डेवलप होने की वजह से वो पैसा कमा चुका है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में पैसा लगा सकता है, लोग ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया एग्रीकल्चर जब आपका सस्टेनेबल हो जाए तो आपका दिमाग खुरापात करेगा कि हाँ जी इसको और कैसे बेटर किया जाए और कैसे पैसे कमाए जाए। फिर बात करते हैं ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग की। 17th सेंचुरी में वेल्स और स्कॉटलैंड यूनिफाई होते हैं और लंदन सबसे बड़ी शहर और ग्लोबल ट्रेड का सेंटर भी बन जाता है। और क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड का सेंटर है तो जितना भी व्यापार आपका यूरोप के थ्रू निकल रहा है वो वहीं से निकलेगा, और साथ ही साथ हर एक कोने में, हर एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे इंग्लैंड का कंट्रोल है वाया हिज कॉलोनीज। तो जब कॉलोनीज के ऊपर उसका कंट्रोल है तो उसकी वजह से वो ज्योग्राफिकली उन उन पोजीशंस पे है जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिससे उसको रॉ मटेरियल को ऑप्टेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे उसको चीजों को मैनेज करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होती, भले ही उसकी खुद की लोकेशन उतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक ना हो, पर वो अपनी कॉलोनीज के थ्रू पूरी दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, उस पूरी पोजीशन पे बैठा है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजिशन है। ये जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजिशन है, इसकी वजह से
ये सारी चीजें वो डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके फेवर में खड़े हो रहे हैं, जो उसके साथ खड़े हो रहे हैं, और ये सारी चीजें वो उस लेवल पे कर भी पा रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मिनरल रिसोर्सेज की भी बात करें, उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत पहले से डेवलप्ड है। सेंट्रल बैंक उनके पास पहले से ही था कि अगर, क्योंकि सरकार है, सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब मान लीजिए इंडिया के किसी राजा को पैसा चाहिए, कोई ऐसा निकल भी आया कि जो ऐसा करना चाहता हो, तो वो पैसा किससे लाएगा? किसी दूसरे राजा से पैसा मांगेगा? उसको पैसा कमाने के लिए दूसरे इलाके पे कब्जा करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ब्रिटेन के पास वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, सेंट्रल बैंक्स थे, जो कि नई फैक्ट्रीज वगैरह स्टेब्लिश कर सकते थे, और जो प्रॉफिट उसने एंजॉय किया था कॉटन की व्यापार से, ट्रेड इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन हो सकता था। क्योंकि पैसा है उसके पास, तो वो पैसे को हर एक जगह इन्वेस्ट करवा सकता है। किसी को भी व्यापार करना है, व्यापार को उसकी सरकार प्रमोट कर रही है, सस्ता लोन भी दे रही है, तो आसानी से चीजें पॉसिबल हो सकती थी। तो जो इंग्लैंड के एंटरप्रूनर्स हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेने को रेडी थे, क्योंकि बैंक इन्वेस्ट करने को तैयार था। तो ये सारी चीजें, एक स्पिरिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एक स्पिरिट ऑफ इंट्रीग, एक स्पिरिट ऑफ एक्सपेंशन डेवलप कर रही है वहां पे। कि सब तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम कुछ अलग क्यों नहीं करते, कुछ बढ़िया करें, कुछ ऐसा करें कि दुनिया पे आसानी से कब्जा कर सके। तो इसीलिए ये इंडस्ट्रीज है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन ब्रिटेन के पास एक बहुत बड़ी सप्लाई ऑफ मिनरल रिसोर्सेज भी है, जो कि इसकी इंडस्ट्रीज एंड मशीन्स को रन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि कोयला, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ब्रिटेन कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा देश है, तो ये जो कोयला है आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, और रीजनेबल कॉस्ट पे भी किया जा सकता था, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और वहां की सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई सिंगल फैक्टर नहीं है कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। मल्टीपल फैक्टर दैट समहाउ प्रमोटेड और लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द ब्रिटेन। और वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे हुआ, उसके पास इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज की वजह से ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, तो बहुत बड़ी पावर बनी और कैपिटलिज्म का फ्लैग बेयरर बना पूरी दुनिया के लेवल पे। वो तो दो वर्ल्ड वॉर में अगर हारा, सॉरी, दो वर्ल्ड वॉर में जीत के भी हारा नहीं होता। जीत के हारने का मतलब यह है उसकी जमीनों पे लड़ाई हुई, उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो गए वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में, जितना कि अमेरिका के रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज अमेरिका की जगह पे आज भी ब्रिटेन होता। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वहां पे इट वॉज समहाउ मेंट कि वहीं पे ही आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला। और साथ ही साथ ये सारी चीजें ऑलरेडी तैयार थी, और वहीं पे स्टीम इंजन का जो डेवलपमेंट है उसने पूरी कहानी पलट दी। ये जो तुरूप का इक्का है, दैट इज स्टीम इंजन। तो जो इंजन है वो सारी चीजें पहले हाथ से हो रही है, उसमें आपने इंजन लगाया, जैसे कि बोट से लेके जा रहे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इंजन लगाओ तेजी से चले जाओ। कपड़े बन रहे हैं, हाथ से बन रहे हैं, सारी इंडस्ट्रीज डेवलप है, इंजन लगाए, पावर लूम लगाए, जल्दी से कपड़े बनने लग गए। ट्रांसपोर्टेशन में, रोड में नॉर्मली चीजें चल रही हैं, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी चल रही है, स्टीम इंजन से लगा के रेलवे डेवलप कर लिया आप लोगों ने। ये सारी चीजें देखिए, उनके यहाँ सिस्टम, सारी चीजें डेवलप थी, मार्केट वार्केट सब फैक्टर डेवलप थे। एक चीज, एक इन्वेंशन, एक सेक्टर में डेवलपमेंट, और कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट देखिए, हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा हर जगह आपको देखने को मिला। तो जो पहला प्रोटोटाइप आपको देखने को मिलेगा स्टीम इंजन का, वो थॉमस न्यू कॉमेन की द्वारा देखने को मिला। उसने इसको एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन का नाम दिया, और इसका ओरिजिनल पर्पस था वाटर को माइन से निकालने का।
फिर बात करते हैं जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट के नाम तो हम सब जानते हैं, जेम्स वॉट को कैसे एसोसिएट किया जाता है स्टीम इंजन के साथ। तो जो न्यू कॉमन ने जो स्टीम इंजन बनाया था उसी पे इसने बहुत ज्यादा काम किया। इसने वाटर कंडेंसर उसमें जोड़ा जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी और बढ़ गई, वो ज्यादा एफिशिएंट स्टीम इंजन इसने बनाया जो कि अभी तक जितने भी डेवलप्ड थे उससे बहुत ज्यादा। तो प्रैक्टिकली इसीलिए हम जेम्स वॉट का नाम याद रखते, और यही स्टीम इंजन बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करने में आसानी हुई और उन्होंने इस्तेमाल किया। पेपर और कॉटन मिल्स वाली इंडस्ट्री हो गई, वाटर वर्क्स वाली हो गई, कैनाल्स वाली हो गई, आयरन वर्क्स वाली हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज ने ये सारी चीजें की। और इसकी वजह से जो डिमांड है कोयले की राइज करती है, तो कोयला तो ऑलरेडी है ही उनके पास, और कि जो जितनी भी मशीनरी है जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके रन करने के लिए कोयला है, और कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सारी चीजें आप देखिए किस तरीके से सिस्टम ऑलरेडी रेडी था, उसमें बस मशीन लगाई है और सब कुछ बढ़िया हो गया। जैसे आज की डेट में देखिए जितने भी आप स्टार्टअप देखते हैं वो क्या करते, जो चीजें ज्यादातर ऑलरेडी अवेलेबल थी उसको उन्होंने इंटरनेट पर डाल दिया। कार देखो ऑनलाइन इंटरनेट पर डाल दिया। उसके अलावा आप फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, अमेजोन की बात करते हैं, वो सामान ऑलरेडी दुकानों पे मिलता था, उन्होंने इंटरनेट पे डाल दिया। तो क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी है, उन्होंने बस एक इंटरफेस बनाया, इंटरनेट पे डाला है, और वो नई कंपनीज हो गई। लेंसकार्ट चश्मे दुनिया पहले भी पहनती थी, हमने टेक्नोलॉजी जोड़ दी है जी। तो यही सारी चीजें होती हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे टैक्सी लोग पहले बुक करते थे, अब ओला उबर बुक करते, रैपिडो बुक करते। क्या है जी, आपने बस इंटरनेट लगा दिया इन सारी चीजों में और आपकी नई कंपनियां तैयार हो गई। उसी तरीके से इंग्लैंड के सिस्टम को समझिए कि ऑलरेडी व्यापार चल रहा था, उसमें आपने इंजन लगा दिया है जी, और बल्ले बल्ले हो गई है, इंडस्ट्रियाज के जय जय हो गई। इतना क्लियर है यस और नो बताएं, इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो जो चीजें पहले ही डेवलप थी उसमें इंजन लग गया तो और जल्दी से डेवलप होने लग गई। जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन पहले भी था, तो एक अमेरिकन इन्वेंटर है रॉबर्ट फुल्टन, उन्होंने स्टीम इंजन लगाया जिसमें उसी जहाज में उसी शिप में और अब स्पीड से पानी में ट्रांसपोर्टेशन होने लग गया। तो फुल्टन स्टीम बोट, अब आप खुद समझिए कि चीजें ऑलरेडी डेवलप थी, अब और तेजी से डेवलप होगी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और जल्दी से डेवलप होगा। ये जो फुल्टन अमेरिकन इन्वेंटर है, इसने स्टीम इंजन इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाया और इसने अपनी फेरी अपने शिप में लगाया और उसका इस्तेमाल करके जी बन गया तैयार है, ठीक है। तो इंग्लैंड में मिड 1800 तक बहुत ज्यादा आपको चैनल्स ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नए नए शहर पानी के अराउंड बिल्ट हो जाएंगे क्योंकि अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा फिजिबल है। रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जॉन मैकेडम ने वही सब कुछ किया। जॉन मैकेडम का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि इसने अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाई, ऐसी सड़कें जो कि ड्रेनेज के टाइम पीरियड में भी खराब नहीं होती थी। तो ड्रेनेज या फ्लडिंग के टाइम पीरियड में भी उन रोडों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो मैकेडम का नाम याद रखिएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि वहां की जो रोड थी वो तो फ्लडिंग के टाइम पीरियड में भी अच्छी थी और प्रॉपर एक तरीके से ड्रेनेज को मैनेज करने के लिए साइड में प्रॉपर स्टोन्स और इन सब का इस्तेमाल करके बहुत बेटर तरीके से उसने ये सारी चीजें डेवलप की थी। फिर रेलवे, अगेन जैसा मैंने बताया स्टीम इंजन से फैक्ट्रीज चल रही हैं, स्टीम इंजन को व्हील पे लगा दिया तो आपकी रेलवे लोकोमोटिव इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो 1804 में रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक इंडिविजुअल ने शर्त लगाई। शर्त किस बात पे लगाई थी कि मैं इतना ज्यादा जो आयरन है उसको इतने टाइम पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाऊंगा। और वो शर्त जीता क्यों, क्योंकि उसने स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया और ट्रांसपोर्टेशन आसानी से पॉसिबल हो सका और उसने वो सब जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। अब ये जब शर्त जीता तो ये सारी चीजें आगे भी लोगों को पता चली
तो उनको लगा कि ये भी पॉसिबल है कि हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाए बाय यूजिंग स्टीम इंजन, उसको तेज किया जाए। तो बहुत सारे और ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसी त्रैवीथिक के लोकोमोटिव को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। इनमें से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जॉर्ज स्टेफेंसन, उसने लगभग 20 इंजन बनाए नॉर्दर्न इंग्लैंड में माइन ऑपरेटर्स के लिए, जो कि माइन में ऑपरेट करते थे, कोयला निकलते थे माइन से और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराया जाता था थ्रू दीस इंजन्स। 1821 में पहली रेल रोड लाइन के ऊपर भी डेवलपमेंट करना स्टार्ट हो गया इनके यहाँ। तो अब आप सोचिए कि क्योंकि सब चीजें डेवलप थी तो बस उसमें इनोवेट करते गए, उसमें एक एडेड व्हील लगाते गए और ये सारी चीजें उस तरीके से डेवलप होती गई। 1825 आते आते तो रेल रोड ओपन भी हो गई है। तो स्टेफेंसन का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि उसने उस लोकोमोटिव इंजन को डेवलप किया है और इस तरीके से ऑलरेडी जो सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का उसको एक और आगे का स्टेप लगाया, एक और आगे का पुश मिला है जी, एक आगे का डेवलपमेंट मिला है। तो ये थे स्टेफेंसन। तो ये था इंग्लैंड, क्या फैक्टर्स थे और कैसे ये सारी चीजें उसको इंपैक्ट कर रही थी, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। लास्ट कैनल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इस सेशन को वाइंड करेंगे। तो कैनाल्स मैंने बताया, अब कैनाल्स में भी वही चीजें की जा रही हैं और इवन कैनाल्स के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे शहर भी डेवलप हुए जो एकदम बॉर्डर पे हुआ करते थे, जो पानी के अराउंड हुआ करते थे, जैसे बर्मिंगम की बात करते हैं। तो जो पूरा ये टेंडेंसी है, जो पूरा फेनोमिना है, उसको कैनाल मीनिया भी बोला जाता है। इतने ज्यादा कैनाल बिल्ड कर दिए गए वहां पे, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन आसान था तो कैनाल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बड़े लेवल पे किया जाता था। कुछ तो मैनमेड कैनाल भी बना दिए गए ताकि आसानी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, पानी में ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना आसान होता। तो शुरुआत में कैनाल बनाए जाते थे कोयले को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। पहला कैनाल वॉर्सले कैनाल बनाया था बाय जेम्स ब्रिंडले ने। उसके बाद जो लाइन लगी है कैनालों की, अभी तो हम कैनाल का इस्तेमाल करते हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उन्होंने कैनाल का इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, और कैनाल के अराउंड बहुत सारे शहर डेवलप हुए। तो ये इंग्लैंड ने ऐसे ही नहीं इतना ज्यादा दुनिया में कॉलोनीज बनाई और इतना ज्यादा रूल किया। कुछ फैक्टर्स थे, कुछ डेवलपमेंट थे, कुछ उनकी कॉलोनीज ने बाकी सारी चीजें प्रोवाइड की, इस सारी वजह से इंग्लैंड विनर विनर चिकन डिनर बना और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे देखने को मिलता है। तो चलिए इसको भी यहीं रैपअप करते, अगले सेशन में आगे सारी चीजें इसके डिस्कस करेंगे और कैसे आगे और बहुत सारी चीजें पैन आउट करती है इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस सेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो इसको अब हम यही एंड करने वाले। थैंक यू जी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके जो भी रिव्यूज़ या रिकमेंडेशन से आप बता सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी बहुत सारा मेजर पोर्शन बचा है जिसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। रिनाइसन रेवोल्यूशन हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ टाइम में ये जो वीडियोज़ हैं ये ओपन वीडियोज़ बंद हो जाएंगी एंड देन इट विल बी लिमिटेड टू ओनली पेड स्टूडेंट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्स लेने में तो ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 9911675330, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।